बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसे ही टीओडी या अग्निपथ योजना लागू हुई है, बहुत सारे बच्चे निराश हो गए क्योंकि अग्निपथ लागू होने से पहले ही बहुत सारे घरों में आग लगा दी है। उसके पीछे जो रीजन है वो एयरफोर्स का रिजल्ट को रद्द करने की जो बात आई वो, उसके साथ ही आर्मी के पेपर के बारे में चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन सभी को ऐसा लगने लग गया कि जब एयरफोर्स का रिजल्ट रद्द हो सकता है तो आर्मी का पेपर भी रद्द होगा। और बहुत सारे टीओडी के विरोध में भी आ गए कि टूर ऑफ ड्यूटी अच्छी नहीं है, इसके बहुत सारे गलत नुकसान होंगे। अब कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग आत्महत्या को ऐसे प्रमोट करने लगे हैं जिसकी हद नहीं है। जो बच्चा सुसाइड कर रहा है उसके साथ में देशभक्ति गाने लगा के उसका वीडियो शेयर ना करे, ये कोई बहादुरी का काम नहीं किया, ये कायरता है। ये आपके जीवन में अगर आपको एक फोर्स की जॉब नहीं मिली, आपको भारतीय सेना में जाने का मौका नहीं मिला, भले आपकी मेहनत कितनी भी हो, किसी भी कारण से बस वो रद्द हुई है, आप जीवन खत्म कर ले रहे हो, ये अपराध आत्महत्या। इस प्रकार का कदम ना उठाए। और जितने भी वीडियो बना रहे हैं उन सभी से मेरे निवेदन है कि आत्महत्या जैसे कारण कोई भी बच्चा करता है तो उसको प्रमोट ना करे देशभक्ति गाने लगा लगा के, क्योंकि आत्महत्या करना देशभक्ति नहीं है, कतई ही नहीं है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये गलत हो रहा है, अगर आर्मी का पेपर रद्द किया जाता है या एयरपोर्ट का रिजल्ट रद्द किया जाता है, बिल्कुल गलत है और आप अपने हक के लिए लड़ो भी, लेकिन लड़ना है, मरना नहीं है। आज आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए लड़ रहे हो। एक तरफ आप बोलते हो कि हम देशभक्ति करने जा रहे हैं, तो ये कहीं देशभक्ति नहीं है। मैं आपको बता दूं, आत्महत्या दूरों दूर तक देशभक्ति नहीं है, इस प्रकार का काम नहीं करना है। टीओडी में आपको गलत लगता है या मान लो हर एक, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन जा रहा है इसमें, इसके विरोध भी होंगे, क्या पता सरकार इसमें संशोधन भी कर दे, और वो हम करा भी सकते हैं अपने हक की लड़ाई लड़के, इसमें बदलाव हम भी करा सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र, लोकतंत्र का मीनिंग होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों का शासन। तो जनता के द्वारा लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो पावर होता है वो होती है जनता, उसका वोटर, और वो हमारे पास में पावर है। तो किसी भी नियम को लागू करना, सरकार ने जो भी इसके पीछे मंशा रही है उन्होंने लागू कर दिया, हम इसको एक्सेप्ट करें ना करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अगले बार चुनाव में उनको इसका नतीजा दिखा सकते हैं, इसके लिए लड़ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, इसमें बदलाव करा जा सकता है, लेकिन गलत काम ना करे, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाए। किसी भी पुलिस केस में आपका नाम आ गया तो फिर आप भारतीय सेना में जाने लायक नहीं रहेंगे। भारतीय सेना में जाने का जो जुनून होता है बच्चों में, उसके लायक फिर आप कतई नहीं रहोगे, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक भी चार्जशीट में कहीं नाम, किसी भी प्रकार का सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अगर आपने पहुंचाया किसी के कि बेखा हो में आकर, तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा लोगे। टीओडी आपको पसंद नहीं है, शायद मुझे भी अच्छी नहीं लग रही, और हो सकता है कि पूरे देश को भी अच्छी नहीं लग रही, तो इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा, हम अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं। क्यों नहीं लग रही मैं आपको बताता हूँ, इसमें मेरा रीज़न क्या है। मेरा मानना यह है कि इसमें अच्छा क्या नहीं है, अब उनकी अच्छा तो उन्होंने बता रखा है, अच्छा क्या नहीं है कि एक जवान अगर 4 साल के लिए नियुक्त होगा तो उसमें देश सेवा का वो मोटिवेशन नहीं रहेगा जो एक परमानेंट स्थायी जवान में रहता। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैं शहीद हो गया मैं तो सिर्फ 4 साल के लिए हूँ भारतीय सेना में, उसके बाद को उसको ये चिंता सताएगी कि इसके बाद मैं क्या करूंगा। वो 4 साल की सर्विस में 3 महीने से 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा और लगभग 10 से 12 महीने छुट्टियों पे रह जाएगा 4 साल में। अब उसका जो कार्यकाल यानी समय अवधि रहेगी वो लगभग 30 महीनों की रहेगी। उसमें ये सोचेगा, इस सोच के पीछे उसका समय निकलेगा कि आगे मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं यहां से जब निकल जाऊंगा तब मेरे साथ क्या होगा, और ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं। सर्विस आर्मी में भर्ती होने के बाद में भी उसको ये संतुष्टि नहीं मिलेगी कि हाँ मैं भारतीय सेना में भर्ती हो गया हूँ, और परमानेंटली उसको 4 साल तक इस चीज़ की समस्या या मन में एक टेंशन रहेगा, जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि वो सर्वोपरि बलिदान दे सके और देश के लिए अच्छी देशभक्ति दिखा सके जो भारतीय सेना का हर जवान दिखाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो भारतीय सेना का सदस्य है और वो सर्वोपरि है। लेकिन अगर वो इस चीज़ को इस प्रकार से देखता है तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना बलिदान या उतना प्रभावी हो सकता है। ये भारतीय सेना के लिए भी कहीं ना कहीं एक सवालिया खड़ा करता है निशान की एक जवान जिसको ये पता है कि मुझे यहाँ पर 4 साल रहना है, वो इस रूप से देशभक्ति दिखाए जितना कि एक जवान जो कि उसमें स्थायी है। इनमें बदलाव रहेगा
और उसको कहीं ना कहीं ये चिंता सताएगी कि मैं यहाँ से जाने के बाद क्या करूँगा। मान लीजिए 6 महीने ट्रेनिंग की, उसके बाद में वो सर्विस करने लगा, उसका 1 साल का जब कार्यकाल बचेगा उस समय एक तो ये टेंशन रहेगा उसको कि मैं स्थायी होऊंगा या नहीं, और अगर नहीं होऊंगा तो मेरा क्या होगा। तो इसके बारे में उनको इनका फ्यूचर प्लान जरूर साथ में देना चाहिए कि अगर जो 75% बाहर आएंगे उनका क्या होगा, उनका आगे का जीवन कैसा होगा। ये नहीं कि वो सिर्फ एक होमगार्ड की या किसी बैंक या ATM के बाहर गार्ड बन के रह जाए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में आपने जरूर बोला कि उनमें उनकी प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन वहां पर उनकी जो इज्जत है वो उस लेवल की नहीं रहेगी। उनका एक मासिक वेतन प्रभावित रूप से कि ये होना चाहिए कि इतना कम से कम भारतीय सेना में ट्यूर ऑफ ड्यूटी करने के बाद में अगर वो कहीं पे भी सर्विस करता है तो इतना पेमेंट उसका होना ही चाहिए, ये निर्देशित होना चाहिए। और उनका आगे का रोजगार भी फिक्स होना चाहिए कि उनका आगे का रोजगार इस प्रकार रहेगा। ये बातें खुलकर सामने आनी चाहिए। लेकिन जो इसको इसको इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो लीगली तौर पर लड़े, किसी भी प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि आपके परिवार के अलावा इसका नुकसान किसी को नहीं होगा। 140 करोड़ की जनसंख्या है, आप उसमें कहीं पहचाने नहीं जाओगे। लेकिन आत्महत्या जैसा अपराध ना करें बच्चे, जिनके पेपर नहीं हुआ। आपका पेपर की हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे, हर एक इंसान चाहता है कि आपका पेपर जो नहीं हुआ वो रद्द होने के कगार पे वो ना हो, और इसके लिए हाई कोर्ट बना है। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए है, सरकार के फैसलों को चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और बदल भी सकता है, इसीलिए न्यायालय सर्वोपरि होता है। तो हम उसकी शरण जरूर लेंगे और आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन आप ऐसा गलत कदम ना उठाएं। और जितने भी ये वीडियो बनाने वाले हैं, चाहे YouTube पे Instagram पे, अगर कोई बच्चा आत्महत्या करता है तो उसका वीडियो शेयर ना करें, और कम से कम देशभक्ति गाने लगा के तो ना करें। कायरता का प्रतीक को कभी देशभक्त आप नहीं बोल सकते।